हेलो मध्य प्रदेश, नई सोच, नया अंदाज। किसी भी क्षेत्र का विकास उसमें होने वाले निवेश और व्यवसायिक उपक्रमों पर निर्भर करता है। उमरिया जिले का विकास ठप पड़ा है और इसका कारण है जिले का टाउन एंड कंट्री प्लान का दशकों पुराना होना। यही नहीं, उमरिया जिले में पिछले 2 वर्षों से किसी भी व्यवसायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ और अनुमति नहीं दी गई। इन्हीं सब बातों को लेकर जिले के व्यापारियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा कि टाउन हॉल पैच। ज्ञापन में लिखा गया कि टाउन एंड कंट्री प्लान की नई पुस्तक का जल्द से जल्द प्रकाशन कराया जाए। व्यापारियों ने बताया, अनुमति के नाम पर जिम्मेदारों द्वारा हर बार यह कहकर टाल दिया जाता है कि नई पुस्तक के प्रकाशन के बाद अनुमति दी जाएगी। जाहिर सी बात है, व्यवसायिक उन्नति नहीं होने के कारण जिले का संपूर्ण विकास रुक सा गया है। शासन प्रशासन को तत्काल इस ओर ध्यान देकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जिले में जो टाउन एंड कंट्री का प्लान है वो पिछले 15 साल पहले का है और आज 15 साल पहले जो उमरिया थी और आज उमरिया, उसमें बहुत चेंजेस आ गए। जो लैंड यूज पहले एग्रीकल्चर था, आज वहाँ पे आवासीय बस्तियाँ बस गई, परंतु यहाँ पे अभी भी लैंड यूज नहीं बदला है, जिसके कारण कोई भी परमिशन लेने जाओ टाउन इन कंट्री में तो ये बोल देते हैं कि पुराना पब्लिकेशन है, नया बुक गया है पिछले 1.5 साल से और आज तक प्रकाशन नहीं हुआ। इसी संबंध में माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया है कि वो जो प्रकाशन होना है उसका जल्द से जल्द प्रकाशन कराया जाए, जिससे कि जो भी आदमी अपना भवन निर्माण की या व्यावसायिक गतिविधियों की या कोई औद्योगिक गतिविधियां उनकी परमिशन लेने जाए तो उनको मिले। परमिशन न मिलने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। एक तो ये है कि जब परमिशन नहीं देते तो अवैध कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है, जब अवैध होता है तो उसमें ना अपनी बैंकिंग शाखाएँ आपको लोन देंगी, ना नगरपालिका परमिशन नहीं देती, इससे शासकीय राशि का बहुत ज़्यादा हानि होती है। राजस्व का जो करोड़ों रुपए की इनकम होती है वो नहीं हो रही है पिछले 10 सालों से। शहर का विकास भी नहीं हो रहा है। अब जब भी कोई शहर में बड़ी चीज़ या बड़ी, अभी 1-1.5 साल पहले मैंने सिटी सिनेमा मॉल की परमिशन लेने की कोशिश की थी, उस पर भी यही रोड आ गया कि भाई यहाँ पे क्या है कि उसका लैंड यूज जो है एग्रीकल्चर है, हमने डाइवर्शन कराया हुआ है परंतु उसको नहीं मानते। उनका कहना है कि जब पब्लिकेशन बुक होगा, जब मुझे ये लग रहा है जब अभिषेक सिंह साहब कलेक्टर साहब थे तब भी माननीय को हमने आवेदन किया था, उनने थोड़ा सा आगे बढ़ाया था उसको, पर बीच में फिर रुक गया। अभी भी 1.5 साल से 2 साल से उसका प्रकाशन रुका हुआ है। माननीय से यही निवेदन किया गया है कि जल्द से जल्द प्रकाशन कराया जाए, जिससे शहर का विकास हो सके और जो भी आदमी भवन का निर्माण कराएगा उसको आज की डेट में हाउस लोन की सुविधा बहुत अच्छी है और वो तभी मिल पाएगा जब TNCP टाउन एंड कंट्री प्लान से नक्शा अप्रूवल होगा। इसी के लिए व्यापारियों का कहना है कि उमरिया जिले का जो प्लान, उमरिया शहर का जो प्लान है वो 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका है, नया प्लान लागू नहीं हुआ है। इस वजह से उन्हें अपने भूमि के उपयोग की प्रमाण पत्र या भूमि की अनुमति प्राप्त करने में तकलीफ आ रही है। मैं दिखवाता हूँ कि विलंब क्यों हो रहा है, उसमें आवश्यकता है।